لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا مولانا. कितनी मोहब्बत है बहन भाइयों को, इस बहन को कितनी मोहब्बत है अपने भाई से। करबला मजहर है, इश्क है करबला। जब बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला ना कि तैयारी है, कैसे हो सकता था हुसैन जाए और ज़ैनब न जाए। नहीं, आपके शौहर करना है मरीज है, शरीयत में बगैर शौहर की जान घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो ये तो पासदाराने शरीयत है। गई शौहर से पूछा, हुसैन मुझे जाना है। क्या अल्लाह कहा, ये इन दो को भी लेते जाइएगा, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कीजिए, दूसरे को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह ये वाहिद हजरत ज़ैनब सबके लिए रोई है। तो आज शबीए ताबूत है ना, किसका शबीए ताबूत है? उनका, के जिस पे हजरत ज़ैनब खुद नहीं रोई है। अगर किसी कोने में जहन के आप इस बात को महसूस कर पाए कि किस तरह ज़ैनब ने दुनिया छोड़ी है, किस तरह छोड़ी है, औलाद इंसान औलाद कैसे दे भाई, मुझे ले जाओ, माँ के लिए सख्त है ये कुर्बान करना, औलाद प्यारी होती है। मगर यहां क्या हुआ, वो ज़ैनब कि जो आलिमा गैर मुअल्लिमा है, वो ज़ैनब के जिसने यजीद और इब्ने ज़ियाद के दरबार के सकूत तोड़ दिए, वो ज़ैनब, और यूं कहें कि वो प्यासी ज़ैनब, शिकस्ता ज़ैनब। फारसी के अंदर एक शायर बीबी ज़ैनब की कैफियत को बयान करता है। बीबी ज़ैनब कहती हैं कि जब तुम गए अपने भाई से लगा, जब तुम गए तो क्या हुआ मेरे साथ, जब तुम गए। वो फारसी में कहता है, तू रफ्ती ज़ैनब आप शुद्ध, कि जब आप गए हैं ज़ैनब पानी वाली हो गई है, ज़ैनब बेहाल हो गई है, ज़ैनब गम ज़दा हो गई है, जब आप गए ज़ैनब के साथ ये हुआ, जब आप गए खेमों को जला दिया, जब आप गए ज़ैनब। मगर वही ज़ैनब शब आशूरा जब मौला सारे खेमों से गुजर रहे थे, तो हज़रत ज़ैनब के खेमे से भी गुजरे। अब क्या देखा, बीबी अपने बच्चों से बातें कर रही है, ये माँ आशूरा, आशूरा ने सिर्फ कल के लिए शहीद पैदा नहीं किए थे, तारीख के लिए माँओं को जन्म दिया आशूरा। क्या कह रही है, ओलो मोहम्मद तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम अली के नवासे हो, ओलो मोहम्मद और तुम कामयाब हो जाओगे। याद रखना, अगर पानी तक पहुंच जाओ, नहीं समझ, नहीं समझ क्या फरमाती है, पानी तक पहुंच जाओ, पानी नहीं पीना। क्यों, अली असगर प्यासा है, देख रहे हैं अपनी दुनिया को कहां कहां कुर्बान कर रही है ज़ैनब।
हम सुन रहे हैं, सुबह हुई लाशें आ रहे हैं। बीबी ने उन्होंने मोहम्मद को देखा, तुम अभी तक जिंदा हो? कहा मौला इजाजत नहीं दे रहे हैं माँ। बीबी गई, कहा भैया मैं बहन बनकर नहीं आई, मैं जाफर तैयार की बहू बनकर। इनको जा सकते ये आपके लिए आजादारण गए लड़े। 9-10 साल के बच्चे हैं मगर लड़कर दिखाया। क्यों? क्योंकि अब्बास के तरबियत याफ्ता बच्चे मेमने को मैसरे पर, मैसरे को मेमने पर पलट दिया, जख्म खाए दुश्मन ने हमले किए, जख्म खाए। एक भाई गिर गया, मोहब्बत मोहब्बत। दूसरा भाई आया, कहा भाई मैं भी आ रहा हूं। वो भी लड़ा, वो भी गिरा, गिर गए दोनों। आवाज आई, मौला हमारा आप पर आखिरी सलाम हो। अब क्या हुआ? मौला पहुंचे, कौन हो मोहम्मद? कोहराम मचा, शोर मच गया। अब समझे खवातीन के शायद जैनब बेहोश हो चुकी होगी, मगर जैनब आलमे शुक्र में। जैनब हर लाशे पर पहुंची, नहीं आई। कहा बहन को बुलाओ। जैनब क्या देखती है? बस चंद दकीके और अज़ल मुहतरम। जैनब ने दोनों बदर मुबारक और मोहम्मद बीबी ने जगह बनाई और सजदाए शुक्र किया और क्या कहा? कहा परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने मुझे सुर्ख रू कर दिया। हाँ आजादारान मोहतरम, ये जैनब जो अपने बच्चों के बदन पर नहीं गई। हाँ अरबईन के बाद ये मसाइब पड़े जाते हैं ना, कि जब लईन ने सरों को वापस किया है ना, अब हर कोई सर अपने अपने मकाम पे पहुंचा। हुसैन का सर जैनब की गोद में है, कासिम का सर उम्मे फरवा के पास है, अली अकबर का सर माँ के पास, अली असगर का सर माँ के पास, अब दो सर बाकी है। कहने वाले ने इमाम सज्जाद से कहा, अरे मौला क्या ये लावारिस है? कहा नहीं, अरे ये हम इसके वारिस है। अरे वो जैनब जो अपने बच्चों के लाश पे ना गई, हाँ मगर जब अली अकबर गिरा, अकबर गिरा जैनब हुसैन से पहले अकबर के लाश पर। Zainab mar jaye hame zainab zainab